धर्मतल्ला में लंच करके हम लोगों ने लिया बस और सिकंदर चला गया अपना कोचिंग अटेंड करने, और हम दोनों आ चुके हैं इको पार्क। और अभी हम लोगों को एक्सप्लोर करना है इको पार्क। गाइज इस साइड में अब मन लग रहा है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि इधर एकदम क्लीन बहुत है और अभी लग रहा है कि हाँ कोलकाता आए हुए हैं। यह है इको पार्क का पार्किंग एरिया और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पे गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा है आ करके, बहुत ही मजे आ रहे हैं, मस्त है एकदम, लोकेशन बहुत ही मस्त है। इको पार्क घूमने के लिए बहुत ही मस्त जगह है, आप आ करके घूम सकते हो। इधर का लोकेशन भी बहुत ही मस्त है एज कम्पेयर टू हावड़ा ब्रिज के साइड। हाँ बोलो, स्टेटस लगा और कहो आज हम बबीता जी के शहर में, आज हम बबीता जी के शहर में कैसे? अरे तो बबीता जी का नहीं होता है, जेठालाल की गर्लफ्रेंड है। हाँ तो कहाँ, कोलकाता के हेड आज हम वैसे ने अय्यर की ससुराल में हमारे। अब हम लोगों ने इको पार्क को एक्सप्लोर कर लिया है और अभी 5:20 हो रहा है शाम के, और अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे सीधे सिकंदर के रूम की ओर। और यहाँ पे इको पार्क बहुत ही बढ़िया जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, आप बहुत सारे एडवेंचर यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि बोटिंग, साइकिलिंग और क्या क्या चीज़ें का साइकिल। यहाँ पे बहुत ही मस्त है, एक साइकिल में दो कोई राइड कर सकते थे, बहुत ही मस्त खूबसूरत बनाया हुआ है। तो आप आओ और इसको एक्सप्लोर करो, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मस्त। और हम दोनों को आज एक्सप्लोर करने में बहुत ही मजा आया, और यहाँ का सनसेट जो है देखने में तो और भी मजा आता है। वेस्ट बंगाल में लॉटरी का अभी भी बहुत ही चलन है। मैं जब सिलीगुड़ी में था तो वहां पर पे देखा था यार, लोगों का जैसे भगवान को पूजते हैं सुबह सूत के उठ के, तो उसी तरह से इन लोगों का, बहुत सारे लोगों का बिजनेस अभी भी चल रहा है लॉटरी से। और मैं अभी भी कोलकाता में भी देख रहा हूँ कि बहुत से लोग बिजनेस के तौर पे भी यहाँ पे रोड के किनारे लॉटरी को बेच रहे हैं। उस 30 दिसंबर के रात को चले गए थे हम लोग सिकंदर के रूम पे, फिर 31 दिसंबर को हम लोग गए थे निको पार्क। निको पार्क में दो लोगों का चार्ज 1600 था, फिर बार्गेन करके उन्होंने डिस्काउंट में 1150 में दोनों लोगों का चार्ज बताया था, लेकिन फिर भी हम लोगों को कॉस्ट ज्यादा लगा, जिस कारण से हम लोगों ने निको पार्क को कैंसिल कर दिया। फिर हम लोग चले गए एक्वाटिका, और उस दिन संडे था। एक्वाटिका का प्राइस संडे का पर पर्सन 1000 रुपए लगता है, बाकी मंडे टू सैटरडे 900 रुपीज लेता है। तो गाइज वहाँ पर भी हम लोगों का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा लग रहा था, जिस कारण से उसको कैंसिल करके फिर हम लोग चले गए इको पार्क। और फिर उस दिन 31 अक्टूबर को इको पार्क को ही एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस आज है 31 अक्टूबर और आज हम लोग फिर आए हुए हैं इको पार्क। कल हम लोगों का मन नहीं भरा, कल हम लोग बहुत ही चीज़ों को छोड़ दिया था एक्सप्लोर करना इको पार्क में। एक्चुअली इको पार्क बहुत ही बड़ा एरिया में है, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में ऐसे बटा हुआ है। तो अलग अलग चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के, जैसे कि आज हम लोग आ करके एक्सप्लोर बहुत सारी चीज़ें किया, जैसे कि आईफिल टावर कल हम लोग नहीं जा पाए थे, टाइम बहुत ही कम था। और आज हम लोगों ने 7 वंडर्स को भी कवर कर लिया है, और जितने भी सारे चीज़ें था यहाँ पे वो सारे भी आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। और अभी शाम हो गई है और अभी हम लोग 7 वंडर्स में ही हैं, बस ऐसे ही बैठे हैं। और क्या इधर दिखाओ, इधर क्या है, 7 वंडर्स में से एक अजूबा यह भी है। गाइस इको पार्क भी एकदम बहुत ही बेहतरीन जगह है एक्सप्लोर करने का, कल जैसे कि मैं बताया था और आज भी बता रहा हूँ। आप आओगे तो एंट्री फी 30 रुपये है, उसके बाद 7 वंडर्स के लिए 30 रुपये और लगेंगे, बाकी बात जितना एरिया में बटा हुआ है आप अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को, तो वो बस उतने में ही आपको हो जाएगा, अलग टिकट लेने का जरूरत नहीं है। तो गाइस अभी 5 बजकर
लोग यहाँ से निकल रहे हैं हावड़ा के लिए। यहाँ से बस डायरेक्ट बस से लेकर के जाना है न्यू टाउन, और फिर न्यू टाउन से डायरेक्ट हावड़ा के लिए बस मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी अभी हम लोगों का ट्रेन है हावड़ा से रात के 9:30 बजे और सुबह 5:30 से 6 बजे रांची छोड़ देगी। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।